जनपद संभल की चंदौसी में सपा के नव नियुक्त जिला अध्यक्ष एवं जिला महासचिव का सीएल गैस एजेंसी पर कार्यकर्ताओं ने गर्म जोशी से माला पहनाकर स्वागत किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा जनपद संभल के नव नियुक्त जिला अध्यक्ष असगर अली अंसारी एवं जिला महासचिव कृष्ण मुरारी शंकरधर आज पहली बार चंदौसी पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी की सीएल गैस पर काफी गर्म जोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान सपा के वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी ने भी उनका माला पहनाकर एवं चोल उड़ाकर स्वागत किया। ये बात पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने 2022 में होने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए 350+ का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, उसको हासिल करने के लिए वह तथा उनके कार्यकर्ता अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करेंगे। वहीं नव नियुक्त जिला महासचिव कृष्ण मुरारी शंकरधर ने राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा दी गई सभी जिम्मेदारी को पूर्ण ईमानदारी के साथ निभाने की बात कही, जबकि सपा का वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी ने कहा कि नव नियुक्त जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी। मेरा जो यहाँ पर स्वागत किया गया है, पहली बार जिलाध्यक्ष बनने के बाद मैं चंदौसी आया हूँ और यहाँ के हमारे पार्टी के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने जो स्वागत किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2022 का जो हमारा टारगेट है, हम सब लोगों को मिल करके इस सरकार की जो जनविरोधी नीतियाँ हैं उनको जनता के बीच में जा करके बताना है, काम करना है। और जो हमारी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो काम किए हैं, उनको जनता के बीच में रखने का काम हम लोग कर करके हमें 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की चारों सीटों को जिता करके और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से जो हमारा लक्ष्य है 350+ करके हम लोगों को आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करना। अच्छा, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इस टाइम क्या कहेंगे? नहीं, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। जंगल राज कायम है, जहाँ पर देखो हत्याएं, लूट, मर्डर, बलात्कार, ऐसे जघन्य अपराध इस उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। ऐसा लगता है यहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं, कानून नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, पूरी तरीके जंगल राज कायम है। हमें यहाँ पर जो भार दिया गया है, मैं अपने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की इच्छा अनुरूप, हम दोनों साथी बहुत पुराने साथी हैं, 1993 से समाजवादी पार्टी में हैं। हम दोनों को जो कार्यकर्ताओं को मैं समझता हूं, पूरे हमारे आसपास जितने भी ज़िले हैं, जितना उत्साह समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी अध्यक्ष जी के द्वारा हमें सम्मानित किया गया है, उससे तमाम सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। दूसरा एक निवेदन मेरा ये भी है आपसे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संभल एक साल पहले लगभग यहाँ से समाजवादी संगठन को पूरे प्रदेश के साथ हटा दिया गया था। यहाँ रिक्त सीटें थीं, जिस पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ जनाब असगर अली अंसारी साहब को जिलाध्यक्ष और मुझे महासचिव नामित किया है। और मैं समझता हूँ अपने सभी कार्यकर्ताओं में और सभी नेताओं के सम्मान में हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे और पार्टी को जो 2022 का लक्ष्य है उस तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसी के साथ जय समाजवाद, जय अखिलेश, विजय अखिलेश। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने संभल जिले की कमान भाई असगर अली अंसारी को अध्यक्ष के रूप में और श्री कृष्ण मुरारी संघधार जी को महासचिव के रूप में सौंपी है। आज जनपद संभल में और ख़ास करके चंदौसी में प्रथम बार आए हैं। चंदौसी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने बड़ा गर्मजोशी से यहाँ पर स्वागत किया है और ये उम्मीद जाहिर की है कि इन दोनों की नियुक्ति से, चाहे भाई असगर अली अंसारी हों चाहे कृष्ण मुरारी संघधार हों, दोनों की नियुक्ति से जनपद संभल में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में नई स्फूर्ति आएगी, नई जान आएगी, नई ताकत आएगी और ये तमाम ताकत इस संभल जनपद की जन समस्याओं को लेकर के, जनमानस की सुख सुविधाओं को लेकर के, जनमानस के हित में संघर्ष के रूप में इस ताकत को प्रयोग करेंगे। आज इसीलिए हमने स्वागत समारोह में ये स्वागत किया है और कार्यकर्ताओं को भरोसा भी दिलाया है कि चंदौसी विधानसभा क्षेत्र में किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर कोई किसी तरह का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। और जितनी जनहित की समस्याएँ हैं, चाहे खाद की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, गैस की समस्या हो, जितनी जनहित की समस्याएँ हैं, जनहित के मुद्दे हैं, उनको लेकर के हम आवाज़ उठाने का काम करेंगे और चंदौसी विधानसभा क्षेत्र के लोगों का जो हक है उसको दिलाने का काम करेंगे आज।